खबर राजधानी देहरादून से है, जहां जिला सूचना अधिकारी की अध्यक्षता में सभी पत्रकारों की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यशाला में जिला सूचना अधिकारी द्वारा सभी मीडिया कर्मियों को बूथों पर कार्य करने की जानकारी दी गई, साथ ही अपने चैनलों में या फिर अपने अखबारों में खबरों का प्रसारण कैसे करना है इस विषय पर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही सूचना अधिकारी ने मीडिया कर्मियों को बताया कि खबरों को मॉनिटरिंग करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जो कि सभी खबरों पर नजर रखेगी और निर्वाचन आयोग को इसकी रिपोर्ट सौंपेगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। मीडिया अभिमुखीकरण पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की तैयारी को लेकर कार्यशाला में मीडिया के साथ पेड न्यूज एवं फेक न्यूज के बारे में जानकारी से अवगत करा दिया गया और यह भी बताया गया कि निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए हम अपने प्रचार सामग्री या समाचार संकलन एवं प्रसारण में किन किन बिंदुओं पर ध्यान रखेंगे, ताकि हमारी कंटेंट ऐसा हो जिससे आम जनमानस को तथ्यात्मक सूचना मिले, वो गुमराह ना हो सके, इस पर विशेष ध्यान रखें। मेरा सभी से अनुरोध यही रहेगा कि निर्वाचन की निर्देशों का ध्यान में रखते हुए सब मिलजुल कर कार्य करेंगे।